हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का 7वां पाठ, जिसका नाम है बकस से प्रतिकारहा। ठीक, तो इस कहानी में यही बताया गया है कि हमको जैसा व्यवहार पसंद होता है, हमें दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो सामने वाले के साथ भी हमको वो चीज़ उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात जो स्वयं को अच्छा लगे उसी तरह का व्यवहार हमें सामने वाले से करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को और पढ़ते हैं अपना चैप्टर। ठीक, चैप्टर को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी आई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। एकस्मिन वने श्रृंगालहा वका बकहा च निवसत स्मः। अर्थात एकस्मिन मतलब एक, वने मतलब वन में, श्रृंगालहा मतलब जो सियार होता है, बकहा सिंह सियार और बगुला, बकहा मतलब बगुला, निवसत अर्थात रहते, स्मा मतलब थे। ठीक है, एक बार क्या होता है, एक सियार और बगुला दोनों जने क्या होता था, वन में रहते थे। तयो मित्रता आसीत, तयो मतलब तयो हो अर्थात उन दोनों की, है ना, उन दोनों में क्या था, मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी, बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, बहुत ही प्रिय मित्र थे, है ना। अब एकदा एक बार प्रातः सुबह श्रृंगालहा बकम आबदत। एक बार क्या होता है, एकदा एक बार प्रातः सुबह श्रृंगालहा अर्थात सियार ने एकम अर्थ बकम मतलब जो बगुले से आवदत मतलब कहा। ठीक है, एक बार क्या होता है, एक बार सुबह सियार ने बगुले से कहा, क्या कहा, मित्र स्वात्वम मया सह भोजनम करो। वो कहता है मित्र, हे मित्र, स्वः अर्थात कल, त्वम मतलब तुम, सह मतलब साथ, मया मतलब मेरे, भोजनम मतलब भोजन, कुरु मतलब करो। उसने बोला हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रृंगालस्य निमंत्रेण बकहा प्रसन्न अभवत। अब क्या होता है, श्रृंगालस्य, यहाँ कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति। ठीक, श्रृंगालस्य, ठीक है, तो सियार के निमंत्रेण, निमंत्रण से, है ना, निमंत्रण, यह तृतीय विभक्ति लगी है। बकहा प्रसन्ना, बकहा मतलब बगुला, प्रसन्नहा मतलब प्रसन्न, आभवत मतलब हुआ। अब क्या होता है, बगुला प्रसन्न होता है जब उन पे, जब निमंत्रण कोई किसी को देता है तो प्रसन्नता तो होती ही है, है ना। तो इसी तरह से बगुले को भी, सियार के निमंत्रण से बगुला भी बहुत खुश था। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अस्मिन् दिने सः भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम् आगच्छत्। अर्थात अग्रिमे दिने मतलब अगले दिन, अग्रिमे मतलब अगले, दिने मतलब दिन, सः मतलब वह, भोजनाय, यहाँ विभक्ति लगी हुई है। ठीक, तो भोजनाय अर्थात भोजन के लिए, निवासम आगच्छत अर्थात निवास मतलब उसके घर, है ना, सियार के घर गया, कौन, बगुला। ठीक, कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव श्रृंगालः स्वथाल्यं बकायः क्षीरोदनम आयच्छत। अब क्या होता है, जो कुटिल स्वभाव वाला मतलब अच्छा स्वभाव नहीं था, लेकिन उसको तो नहीं पता था ना कि वो कैसा है, उसने तो खुश हो रहा था कि भाई उसने मेरे को निमंत्रण में बुलाया है। कुटिल स्वभाव वाला अर्थात दुष्ट स्वभाव वाले श्रृंगालः, श्रृंगाल ने स्थाल्यम, स्थाल्यम मतलब थाली, है ना, बकाया क्षीरोदनम आयच्छत, बगुले को थाली में खीर आयच्छत मतलब दी, उसने क्या दी, खीर दी, और बकम आवदत चै, और बगुले को कहा, बकम मतलब बगुला, आवदत मतलब कहा, चा मतलब और बगुले के कहा, मित्र, हे मित्र, अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सयव खादावहा। अर्थात अस्मिन अस्मिन मतलब इस पात्रे मतलब बर्तन में, है ना, इस बर्तन में, आवाम मतलब हम दोनों, अधुना मतलब अब, है ना, अधुना अब क्या करते हैं, इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खा लेते हैं,
ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, साथ ही एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ भोजन सॉरी, तो मित्र इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो वो तो और खुश हो गया। अब क्या, भोजन काले वक्त से चच्चुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। अर्थात अब क्या होता है, भोजन काले अर्थात भोजन के समय, भोजन के समय बकस से मतलब बगुला, बगुलक्स सॉरी बकस से अर्थात बगुले की चच्चु मतलब चोंच स्थालितः, अर्थात क्या होता है, बगुले की जो चोंच होती है थाली से भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन ग्रहणे अर्थात भोजन करने में समर्था अर्थात समर्थ, ना मतलब नहीं, अभवत मतलब हो पाई। अब क्या होता है, अब जब भोजन करते हो दोनों जने साथ में, भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में क्या होता है, समर्थ नहीं हो पाती, क्योंकि बगुले की चोंच कैसी होती है, लंबी होती है ना, और उसने किस में भोजन दिया था उनको, थाली में भोजन परोसा था। अब थाली में वो कैसे चोंच से उसका जाएगा, कितना जाएगा, है ना, तो वो समर्थ नहीं हो पाता है। इसीलिए अब क्या होता है, अतः इसीलिए बकहा केवलम क्षीरोदनम अवश्यत अपश्यत। इसीलिए अतः मतलब इसीलिए, बकह मतलब बगुले ने केवलम क्षीरोदनम अव, केवलम मतलब केवल, क्षीरोदनम खीर को अपश्यत मतलब देखा। अब केवल उसने देखता ही रह गया वो बगुला, उसने खीर को बिल्कुल भी भक्षण नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं खाया, केवल देखता रहा, क्योंकि थाली में भोजन परोसा था, वो अपनी चोंच से भोजन करने में सक्षम नहीं था। अब क्या होता है, श्रृंगाला तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यतु। अब सियार तो सारी खीर खा गया, श्रृंगाल था श्रृंगाल तो मतलब तो, सर्वा मतलब सभी पूरी, क्षीरोदन मतलब खीर, और अभक्षत मतलब खा गया। अब जो सियार था उसने तो सारी खीर खा ली, क्योंकि सियार का मुंह कुछ अलग तरह का होता है, उसने तो जीभ से अपना पूरा उसको चट कर लिया, ठीक। अब क्या होता है, श्रृंगालीन वंचितहा बकहा आचिंत्यत। अब क्या होता है, जो श्रृंगाल होता है, सियार के द्वारा ठगे गए बगुले ने सोचा, बकहा मतलब बगुला, अचिंत्यत मतलब सोचा। क्या होता है, श्रृंगाल के द्वारा ठगे हुए, श्रृंगाल ने उसको ठगा था ना, श्रृंगाल के द्वारा ठगे हुए बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारम व्यवहारः कृतः तथा अहम् अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, ठीक है। अब वो क्या कहता है, यथा मतलब जैसा, अनेन मतलब अनेन मया सह व्यवहारः अर्थात इसने मेरे साथ वर्ताव किया है, कृतः किया है, तथा अर्थात अहम् मैं भी, अपि मतलब भी, अहम् मतलब मैं भी तेन सहा अर्थात इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा, है ना, जैसे इसने मेरे साथ किया है ना, वैसा ही मैं इसके साथ व्यवहार करूंगा, ऐसा उसने सोचा। एवं चिंतित्वा सहा श्रृंगालम आवदत। अब ऐसा चिंतित्वा, यहाँ पे प्रत्यय लगा है, कत्व प्रत्यय लगा है, सोच करके, ठीक है, ऐसा सोचकर सहा वह श्रृंगालः अवदत। अवदत श्रृंगालः मतलब श्रृंगाल मतलब श्रृंगाल से, और अवदत कहा, क्या मित्र, तुम अपि स्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। अब वो क्या कहता है, मित्र तुम मतलब तुम, अपि मतलब भी, तुम भी, स्व मतलब कल, सायं मतलब शाम को, मया मतलब मेरे, सहा मतलब साथ, मेरे साथ क्या करना है, मेरे साथ भोजन करो, ठीक है, बगले के निवास स्थान पर क्या करना है, उसको उसके साथ भी भोजन करना है। उसने बोला भाई तुम भी मेरे साथ भोजन करना। अब क्या कहते हैं, वकस्य निमंत्रण श्रृंगाला अप्रसन्न
अभवत। बगुल बकस्य, यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है षष्ठी, बकस्य बगुले के निमंत्रण निमंत्रण से श्रृंगालहा श्रृंगाल अर्थात श्यार प्रसन्ना मतलब प्रसन्न अभवत मतलब हो गया, यहाँ भूतकाल है ठीक है, वो भी बहुत खुश हो गया जब उनको निमंत्रण मिला था श्रृंगाल को। यथा यदा श्रृंगालहा सायं वकस्य बकस्य निवासम भोजनाय पात्रे सहे भोजनम कुर्वहा। अब क्या होता है जब श्यार शाम को भोजन के निवास पर भोजन के लिए गया तब क्या होता है, तदा तदा मतलब तब बकहा मतलब बगुला संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम आयच्छत। अब उसने क्या किया, तब संकीर्ण मुखे अर्थात संकरे मुख वाले कलशे मतलब कलश में क्षीरोदनम खीर आयच्छत मतलब परोसी। उसने क्या किया, वो भी उसने क्या किया, संकीर्ण जो एक लंबी टाइप की होती है ना सुराही टाइप की, ऐसे उसमें उसने भोजन को परोसा था, खीर परोसी थी। और क्या कहा था, स्यार से कहा श्रृंगालहा च आवदत, और श्रृंगाल से कहा मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सही भोजनम कुर्वहा। उसने भी सेम वर्ड वही कहे थे कि मित्र हम दोनों साथ में ही भोजन करते हैं ठीक। अब बकहा कलशात चच्वा क्षीरोदनम आखदत आखादत, बगुले ने कलश में से चौंच से खीर खाई। अब बगुले ने फिर चौंच डाल दी, उसकी चौंच तो लंबी होती है, वो बगुले ने उसमें खीर में चौंच डाली सकरे बर्तन में और उसने उस खीर को खा लिया ठीक। लेकिन परंतु श्रृंगाल से मुखम कलशे ना प्रवशित, अर्थात लेकिन श्रृंगाल का अब मुख कैसे जाएगा उस सकरे उसमें बर्तन में, नहीं जाएगा ना यस। तो फिर क्या होता है, सकरे उसमें बर्तन में उसका चौंच नहीं जाती है, उसका मुख नहीं जाता है, उसका तो मुख होता है ठीक। परंतु स्यार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर सका, परंतु श्रृंगाल से मुखे कलशे ना प्रवेशित, अतः बका सर्वोच्छेदनम आखादत, अतः बका ने बगुले ने सर्वम पूरी क्षीरोदनम खीर को आखादत खा लिया। श्रृंगाल चा केवलम ईर्ष्या आपश्यत, अब जो श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल केवल केवलम अर्थात केवल ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या से आपश्यत मतलब देखता रहा, आपश्यत मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भूतकाल है ठीक। लेकिन वो क्या, वो उसको देखता ही रहा, जैसे कि एक बार पहले वो कहानी दोहराई गई थी ठीक है, उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने किया था। अब आगे क्या है, श्रृंगालहा बकहा बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, बका अपि श्रृंगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत। अब क्या होता है, श्रृंगालहा श्रृंगाल ने बकम अर्थात बगुले के प्रति अर्थात उसके जैसा है ना प्रति यादृशम जैसा व्यवहार अकरोत किया, बकहा बगुले ने भी अपि मतलब भी श्रृंगालम श्रृंगाल प्रति श्रृंगाल के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहारम व्यवहार कृत्वा अर्थात करना ठीक है। कृत्वा यहाँ पे प्रत्यय है, ये कृत्वा प्रत्यय, इसमें भी कृत्वा प्रत्यय लगा है ठीक है। तो वैसा ही व्यवहार करके उसने क्या किया, उससे बदला लिया था, जैसा बगुले ने श्रृंगाल के साथ किया था ठीक है, और श्रृंगाल ने बगुले के साथ किया अर्थात दोनों ने एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने उसके साथ किया, और श्रृंगाल ने बगुले के साथ, बगुले ने श्रृंगाल के साथ ठीक है, दोनों ने फिर एक दूसरे के साथ बदला लिया। अब इसमें लिखा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवती दुखदम तस्मात सदव्यवहारतम मानवेन सुखई प्रणव ठीक। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ पड़ा ये, तो हिंदी अनुवाद देख लेंगे इसका, अपने दुर्व्यवहार का फल दुखदायी होता है, अर्थात कभी भी हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात सबके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि दुर्व्यवहार का परिणाम बुरा ही होता है ना,
बुरे का परिणाम बुरा ही होता है, तो इसीलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सुख चाहने वाला मानव को अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, अर्थात अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, अर्थात हमें कोई दुखी ना करे, हम हमेशा खुश रहें, तो सबसे पहले आपको दूसरों को खुश रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबके साथ वही व्यवहार करें जो व्यवहार आप चाहते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा व्यवहार ना करें जो आपको पसंद नहीं है, तो वो व्यवहार हमें दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही है हमारी कहानी, हमारी कहानी अब पूर्ण होती है। अब हमारे अभ्यास प्रश्न, आइए करते हैं प्रश्नों के उत्तर, आइए करते हैं प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उच्चारण कुरुतः, तो इसको तो सबसे पहले आप उच्चारण करेंगे, यत्र यदा अपि अहर्निशम तत्र तदा अद्य अधुना कुत्र कदा श्वः, इन सबको आप क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, मंजूसाता उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थान पूरी करनी है रिक्त स्थानों को, तो ये कुछ शब्द दिए हैं ऊपर, अद्य अपि प्रातः कदा सर्वदा अधुना। अब ये सब क्या है, ये सब अव्यय हैं, ठीक है। इन अव्ययों को जो सही जगह पर हमको इनको भरना है, ठीक है। तो पहला है हमारा भ्रमणम स्वास्थ्य भवति, तो क्या आएगा इसमें, जी हाँ प्रातः, तो ये तीसरा वाला है जो प्रातः इसमें आ जाएगा, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्य भवति, स्वास्थ्य के लिए सुबह सुबह घूमना अच्छा रहता है ना, यस। सत्यम वद अर्थात क्या, सर्वदा, है ना, सर्वदा मतलब हमेशा, हमेशा कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। दूसरा त्वम कदा मातुलग्रहम न गमिष्यसि, ठीक, तो यहाँ आएगा कदा, दिनेशः विद्यालयं गच्छति, दिनेश विद्यालय को जाता है, और अहम अपि तेन सह गच्छामि, और मैं भी उसके साथ जाता हूँ, अपि अपि मतलब भी, यहाँ पर ये वाला ये आ जाएगा अपना अव्यय अंगा, विज्ञानस्य युगा अर्थात अधुना, अभी क्या है ये, कौन सा युग है, विज्ञान का युग है, तो अधुना आ जाएगा, रविवासरा अस्ति अर्थात अद्य रविवासरा अस्ति, तो ये भाग्यवश बात है कि आज भी रविवार ही है, ठीक है। तो आइए तो करते हैं प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, हमको इसको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, श्रृंगालस्य मित्रः कः आसीत्, श्रृंगाल का मित्र कौन था, जी हाँ बिल्कुल सही, श्रृंगाल का मित्र बकाह था अर्थात बगुला था। दूसरा ख, स्थालिता का भोजनम न खादत, अर्थात इस थाली में सॉरी किसने भोजन नहीं खाया था थाली में, जी हाँ बकाहा ने, बका की चोच नहीं जा रही थी ना उसमें, हाँ तो बकाहा भोजनम न खादत। आगे बकाहा श्रृंगालया भोजनम किम अयच्छत, बका ने श्रृंगाल में, श्रृंगाल को भोजन में क्या दिया था, जी हाँ क्षीरोदकम, क्या दिया था, खीर दी थी। आगे श्रृंगालस्य स्वभाव कीदृशः आसीत, स्वभाव कैसा था श्रृंगाल का, बिल्कुल सही कुटिल स्वभाव था उसका, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत तो श्रृंगाल ने ही करी थी, है ना। आगे स्थालिता बकाह भोजनम न अखादत, तो बका श्रृंगाल या भोजनम क्षीरोदकम, ये हो गया घा का ख घ हो गया, ठीक। चलिए तो ये प्रश्नों के उत्तर हो गए, अब हमारा प्रश्न नंबर 4, पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पद, अब हमको इसका विलोम पद लिखना है, शत्रु मित्रम ये यथा एग्जाम्पल दिया है, तो सुखदम का हो जाएगा दुखदम, विलोम मतलब उल्टा, ठीक है, यस अपोजिट वर्ड, सुखदम दुखदम, शत्रुता क्या हो जाएगा, शत्रुता सॉरी दुर्व्यवहार खा, दुर्व्यवहार सदव्यवहार, दुर मतलब होता है बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार सदव्यवहार अच्छा व्यवहार, शत्रुता मित्रता, ठीक, सायम सायम, सायम मतलब शाम, प्रातः मतलब सुबह, अप्रसन्न मतलब होता है जो प्रसन्न नहीं होता, और इसका अपोजिट हो जाएगा प्रसन्न खुश, ठीक है। तो असमर्थ मतलब जो समर्थ नहीं होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा समर्थ, ठीक। आगे प्रश्न नंबर 5, मंजूसाता समुचित पदानि चित्वा कथां पूर्यते, इसको हमको कथा को पूरा करना है, ठीक है। तो
एकदा एका काका पिपासिता आसीत। ठीक है, एक बार क्या होता है, एक कौवा कैसा होता है, प्यासा होता है। सहा जलम पातुम स्थितः अब्रमत, यहाँ क्या होगा, स्थितः आ जाएगा इस खाली स्थान पर। जी हाँ, वह जो जल को ढूंढता है ना इधर उधर, स्थितः मतलब इधर उधर, परम कुत्रापि मतलब जलम ना प्राप्नोत, वो कहीं भी जल को नहीं प्राप्त करता है, कुत्रापि। आगे अंते सा एकम घटम अपश्यत, उसने लास्ट में एक घटे को देखता है, घटे स्वल्पम अर्थात थोड़ा सा जलम आसीत, स्वल्पम मतलब थोड़ा सा जल था, अतः सा जलम पातुम असमर्थः अभवत, तो आएगा यहाँ पे पातुम। ठीक, सह एकम उपायम अचयन्त्यत, अर्थात उपायम मतलब उसने एक उपाय सोचता है, सोचा। सह पाषाणस्य अर्थात पत्थर के टुकड़े, खंडानी पत्थर के टुकड़े, घटे अक्षिपत अर्थात उसने क्या किया, पत्थर के कुछ टुकड़े लाया और उनको वहां डाला घड़े में, एवं क्रमेण घटनस्य जलम ऊपरी आगच्छत, वो क्या आ गया था, वो पानी ऊपर आ गया, ऊपरी जलम पीत्वा, जल पीकर, पीत्वा या कत्वा प्रत्यय लगाए, जल पीकर के संतुष्टः अभवत, संतुष्टः अर्थात संतुष्ट अर्थात उसको संतोष प्राप्त हुआ। ठीक, परश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न मनोरथाः, अर्थात परिश्रम से कार्याणि अर्थात कार्य सिद्ध्यन्ति पूरे होते हैं, न तु मनोरथे मनोरथे अर्थात मनोरथ से कभी कार्य पूरे नहीं होते, इच्छाओं से कार्य कभी पूरे नहीं होते। कैसे पूरे होते हैं कार्य, हमेशा परिश्रम से, उद्यमेन से, परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथे अर्थात परिश्रम करने से ही हमारे कार्य सफल होते हैं, पूरे होते हैं, मनोरथ से नहीं होते। ठीक है, अब है अपना प्रश्न नंबर 6, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द आएगा अपना जैसा कि सियार श्रृंगाला, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से निकल के आते हैं। ठीक है, एज इट इज, कोआ, कोआ का क्या हो जाएगा, कोआ हो गया हिंदी का तद्भव, और तत्सम हो गया का कहा, खा मक्खी, मक्षिका बंदर, वानर बगुला बकहा बंदर हो गया, चौचहा चच्चू, नाका नाक नासिका। ठीक है, तो आप इनको कर लेंगे अच्छी तरह से, और आई थिंक मुझे आशा आप सभी को बहुत अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब ये चैप्टर पूरा हो गया, और इसका अभी ये जो चैप्टर है हमारा 7वां चैप्टर है, 7वें चैप्टर तक की वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, 7 के 7 चैप्टर हैं, आगे भी चैप्टर कुछ बने हुए हैं, और आपको हर चैप्टर की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सभी को ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर जरूर करें। तो चलते हैं आगे, और मिलते हैं आप अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।